दोस्तों, शाहरुख खान दुनिया भर में एक प्रिय सुपरस्टार है और बहुत से लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। उनकी मूवी पैन इंडिया में भारी सफलता के बाद बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आज उनके साथ काम करना चाहते हैं। हाल ही में पुनीत मल्होत्रा शाहरुख खान के साथ एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पुनीत मल्होत्रा है जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और आई हेट लव स्टोरी डायरेक्ट किया था। पुनीत मल्होत्रा ने यह फोटो अपने सेट से सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था, देयर आर डेज दैट मेक इट ऑल वर्थ इट जस्ट टू बी ऑन द सेट विद द मैन, द चार्म, द करिश्मा, द ह्यूमिलिटी एंड द लव इज अनमैचेबल। थैंक यू एट द रेट MSR के सर फॉर ऑल दैट यू डू एंड फॉर बींग सो ग्रेसियस एट द रेट धर्मा 2.2। हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान के रिलीज डेट को अनाउंस किया था, जिसे कि एटली के द्वारा डायरेक्ट किया गया है और जून रिलीज के बाद अब ये फिल्म सितंबर 7 को रिलीज़ होने वाली है। जवान में नयनतारा और विजय सेतुपति दिखाई देंगे। जवान शाहरुख खान की सेकंड फिल्म होगी इस साल की और इसके बाद शाहरुख दिखेंगे सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 में और उसके बाद शाहरुख खान अपनी तीसरी फिल्म डंकी रिलीज़ करेंगे, जिसे कि राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। अब ये तस्वीर देखने के बाद सारे फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि शाहरुख खान अब फिर कोई नई फिल्म करने वाले हैं, इसलिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं शाहरुख खान की और कोई फिल्म आती है या नहीं। और भी ऐसे शाहरुख खान के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।